ओके गाइस, इट्स टाइम टू एनालाइज द गोल्ड मार्केट। आई होप आप लोग की ट्रेडिंग काफी अच्छी चल रही होगी। एंड देखो, मैं आपको चीजें बता देता हूँ। एनालिसिस अगर मैं अगर आप करते हो तो एक काम करना कि आप सिंपली कहीं भी नोट कर लेना, या फिर आप अलर्ट्स लगा देना, या फिर कहीं ना कहीं ऐसा जर्नल मेंटेन करना जहां पर आप देखना कि कितने बार आपकी एनालिसिस सही होती है, कितने बार आपकी एनालिसिस गलत होती है, और उससे आपको ये समझ में आएगा कि कहाँ आप गलती कर रहे हो। ठीक है, तो इसको ठीक है बोलते हैं जर्नल लिखना। प्रॉपर डेली अगर जर्नल लिखोगे, जर्नलिंग बोला जाता है इसको, अगर आप वो चीज करोगे तो डैम श्योर मार्केट में आने वाले टाइम में आप पैसे बनाओगे। ठीक है, बहुत ही सादा सिंपल चीज है। देखो अभी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, 1 घंटे में मार्केट क्लोज होने वाला है फॉर द डे, एंड फिर मार्केट 1 घंटे बाद स्टार्ट हो जाएगा। गोल्ड का चार्ट में खोल के रखा हूँ फिलहाल, इन 1 डे टाइम फ्रेम। ठीक है, मैंने प्रीवियस डे मार्क किया था, जो अगर आप मेरी एनालिसिस की वीडियो रेगुलरली देखते हो तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई कि प्रीवियस डे हाई दैट वाज अराउंड 183.48.870। अगर हमने बात की थी इसके ऊपर, अगर रैली करना स्टार्ट करेगा तो रैली अच्छी देखने को मिल सकती है। अगर रिजेक्शन लेगा तो हो सकता है यहाँ पर जो प्रीवियस डबल बॉटम बनाया तो ये डबल बॉटम बना के काम करेगा, या फिर डायरेक्ट भी रैली कर सकता है। तो फिलहाल मार्केट ने क्या किया, प्रीवियस हाई से एक काफी अच्छा ब्रेकआउट दिया, यानी कि गैप अप खुला था। वैसे तो मार्केट ठीक है, थोड़ा गैप अप खुला था, कुछ पॉइंट्स, कुछ ज्यादा पॉइंट्स गैप अप खुला था और ऊपर रैली देखने को मिला था फिर। लेकिन यहाँ पर आपको चीजें मैं बता दूं, क्योंकि इसका एक ब्रेकआउट आ चुका था तो यहाँ पर हर बार मैं आपको बोला था अगर बाइंग करने की जहां जहां अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मिलो, और सेल करने का मैंने आपको बताया था, सेल करने का स्कैल्प करना, सिर्फ सेल के स्कैल्प प्लान करना। अगर यहाँ से इसके ऊपर चले जाता है तो, अगर मेरी आप प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अभी थोड़े छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं। ठीक है, डेली एक्टिविटीज तो आपको समझ में नहीं, मार्केट काफी बुलिशनेस शो कर रहा है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत रिट्रेस हो, रिट्रेस कैसे हो सकता है, ठीक है वो फिबोनाची लगा के अपन यूज कर सकते हैं कि किस किस लेवल तक रिट्रेस होता है, कितनी ज्यादा बड़ी रिट्रेसमेंट आ सकती है मार्केट के अंदर, और हो सकता है कि इस लेवल पे जाके लाइक दिस लेवल पे जाके या फिर क्लोजिंग इस लेवल तक दे दे। ठीक है, यानी कि 1856 1 घंटे के अंदर थोड़ा नीचे आ जाए और यहां से मार्केट फिर एक डबल बॉटम बना दे, या फिर मार्केट एक डायरेक्ट रैली दिखा सकता है टिल दिस लेवल। ठीक है, क्योंकि ये प्रीवियस लो था मार्केट का तो ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, तो फिलहाल अभी मार्केट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब देखते हैं ट्रेंड ज्यादा स्ट्रांग रहेगा तो सारी चीज, देखो ट्रेंड ट्रेंड को आप भगवान मान के चलो, गॉड मान के चलो, ट्रेंड के अलावा आगे कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस कोई प्राइसेस मार्केट के कभी काम नहीं आएंगे। हमेशा याद रखना ट्रेंड इज द किंग। इतनी अच्छी अगर बुलिश कैंडल क्लोज हुई है तो नेक्स्ट डे भी हो सकता है कि मार्केट काफी बुलिश परफॉर्म करे, काफी बुलिश परफॉर्म करे, जैसे यहां पर देखने को मिल रहा था आप लोगों को कि मार्केट कंटिन्यूसली बेरिश 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 बेरिश, तो हो सकता है कंटिन्यूस बुलिश 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 अंटिल एंड अनलेस मार्केट कोई एक बड़ी बेरिश कैंडल ना बना दे। ठीक है, तो यहां पर आप देखने की बात है। देखो फिलहाल अपन यहाँ पर चलते हैं इसको 30 मिनट्स टाइम फ्रेम में, 30 मिनट्स या फिर 15 मिनट्स, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा चौपी था सुबह के टाइम में। तो अपन देखते हैं, देखो चीज अपन स्टार्ट करते हैं दैट इज यहाँ से। ओके, तो ये इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट क्या हुआ, एक गैप अप खुला। ठीक है, और मैं बताया था इसका ब्रेकआउट मतलब आपको ऊपर साइड की रैली और देखने को मिल सकती है। दैट इज मार्केट काफी 23 पॉइंट ऊपर खुला, 230 पिप्स ऊपर खुला, फिर काफी अच्छा साइडवेज रहा मार्केट। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ईएमडी शायद आपने पढ़ा होगा, दैट इज ओके। अब देखो ये ए फेस दैट इज एक्यूमुलेशन, मार्केट काफी साइडवेज रहा। ठीक है, फिर एम फेस मैनिपुलेशन, एक मिनट में आपको बताता हूँ, लाइक दिस। ओके, दिस इज एक्यूमुलेशन एंड दिस इज द मैनिपुलेशन ऑफ द मार्केट एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के रखी है और इसके ऊपर काफी डिटेल में भी वीडियो मैं डालने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है ये फेजेस होते हैं मार्केट में, अलग अलग सेशन में अलग अलग परफॉर्म करता है मार्केट। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज करने की बात है, आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट एक काइंड स्लो धीरे धीरे साइडवेज है। यहाँ पर जिसको ट्रेड करना है कर सकते हो, जिसको नहीं करना है कर सकते हो। उसके बाद मार्केट ने एक नीचे साइड मूव किया, अब ये नहीं कि हर बार आपको बाय करना है, तो सेल के साइड भी आप थोड़ी बहुत स्कैल्पिंग करके कुछ भी थोड़ी बहुत एक्टिविटीज करके पैसे बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको एक सही जगह एंट्री की ढूंढनी है, या अगर आप सेल कर रहे हो तो कहीं भी सेल नहीं करना है। लाइक ये देखो ये ट्रेंड लाइन दिख रही है आपको एक, ठीक है, तो ट्रेंड लाइन के आसपास ही सेल करना। लाइक जैसे कि मार्केट ने नीचे यहां तक की रैली दे दी, यहां कहीं सेल करने जाओगे तो घाटे में रहोगे। ठीक है, क्यों,
देखो रेजिस्टेंस के आसपास सेल करोगे तो ये तो रहेगा कि रेजिस्टेंस के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होती है तो वहां पर आप निकल जाना है। अगर आप पहले ही यहाँ पर नीचे और इतने बॉटम में या फिर इस बॉटम में सेल करोगे ना, जो रेजिस्टेंस के नियर बाय नहीं है, सेल करना है रेजिस्टेंस पे, बाय करना है सपोर्ट पे, ये चीज हमेशा याद रखना, नियर होना चाहिए, ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए, कैंडल क्लोज उसके आसपास होना चाहिए। जैसे कि ये सारे जो कैंडल्स है यहाँ कहीं अगर सेल भी कर दोगे ना, ज्यादा आपका बड़ा स्टॉप लॉस रहेगा, छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा और छोटा लॉस डिसाइडेड रहेगा। यहाँ कहीं आपका इतना बड़ा स्टॉप लॉस बनता है और क्या हुआ है, मार्केट अल्टीमेटली अप ट्रेंड में था, यहाँ ब्रेकआउट दिया, सेम अगर प्रॉपरली देखोगे मार्केट इस लेवल पे वापस आया, ठीक है, जहाँ ब्रेकआउट दिया था जो प्रीवियस रेजिस्टेंस था वहीं से सपोर्ट लिया, एक बुलिश पैटर्न फॉर्म किया मार्केट में, मॉर्निंग स्टार जैसे बनाया, और यहाँ से आप रैली देखो कितनी स्मूथ एंड सिंपल रैली देखने को मिली है। कोई अगर कोई ट्रेलिंग भी करता है तो काफी अच्छा हो जाता, ठीक है। फिलहाल देखो मार्केट की क्लोजिंग क्या आती है, अब देखते हैं मार्केट की क्लोजिंग, जो भी डे हाई रहेगा फिलहाल तो काफी हाई पे है मार्केट, ठीक है। अभी हो सकता है नया हाई और क्रिएट करे, तो नया हाई एक नया रेजिस्टेंस होगा मार्केट के लिए, अगर इसका भी ब्रेकआउट करता है मार्केट तो हम फिर बाइंग के साइड ही रहेंगे। फिर भी देखो मार्केट की टेक क्लोजिंग काफी बुलिश रही, तो हम कल की भी एक्सपेक्टेशन मार्केट के साथ बुलिश रखेंगे, लेट सी कल क्या होता है मार्केट में। थैंक यू सो मच, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, शेयर दिस वीडियो, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।